मुरली का मतलब वो अध्यात्म है, वो ज्ञान है जिसको किसी से किसी मजहब, किसी मतांतर, किसी संप्रदाय में नहीं धकेलती है, बल्कि अपनी रूहानियत से आपको अपनी आत्मा के साथ जोड़ती है, जिसको कहते हैं आत्मन्ने वात्मानं पश्ये। मेरे माता पिता 1964 में बाबा के चरणों में लाए यहां, और उन्होंने, जब मैं बाबा के चरणों के पास आया हूं तो मैं एक बहुत वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और तार्किक व्यक्ति रहा हूं। साधारण किसी तरह से मैं झुकने वाला व्यक्ति न उस समय था, न आज भी। उसी समय बाबा की मुस्कान और बाबा की सुगंध है, जो उनके शरीर की सुगंध है, मेरे को छू गई। और जो मुस्कान थी, फिर बाबा ने कहा एक शब्द 1964 में कि तुम इस भारत वर्ष के प्रकाश की एक किरण हो और तुमको अपनी रोशनी से विश्व को प्रकाशित करना है। ये वाक्य हैं 1964 के। 1000 बुद्ध एक साथ बैठ करके कहीं साधना करें, जैसी शांति 1000 बुद्धों की साधना से होनी चाहिए, वैसी शांति इस शांति वन में आकर के प्राप्त होती है। विश्व भर में करीब करीब 10,000 धर्म संप्रदाय प्रकट हुए। आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना पुरुष वर्ग, लेकिन सभी संप्रदाय और सभी धर्म पुरुष प्रधान रहे हैं। ये संप्रदाय ऐसा है जो महिला प्रधान है। आपको मैं निवेदन करूं, मुझे निराकार और साकार में नहीं जाना, लेकिन आपने भगवान श्री राम के हजारों मंदिर देखे होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए राम के साथ रावण का मंदिर मिलने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण के हजारों मंदिर देखे होंगे, लेकिन कृष्ण के साथ कंस का मंदिर मिलने वाला नहीं है। भगवान राम ने रावण को मारा, पूजनीय नहीं बना पाए। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, पूजनीय नहीं बना पाए। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में माँ भगवती दुर्गा ऐसी हैं जिन्होंने भैरव को मारा, लेकिन भैरव के हजारों मंदिर भी बनवा दिए। मतलब क्या है कि माँ अगर किसी को मारती है तो भी पूजनीय बना देती है। ये ब्रह्म कुमारी संप्रदाय भी ऐसा है, ये आपको सुधार करके आपके जीवन में परिवर्तन ले आता है। और मैं आपको निवेदन करूं, हजारों संप्रदाय हैं, सबने अपनी अपनी बात प्रतिपादित की। किसी ने किसी देवता को प्रतिपादित किया, किसी ने किसी देवता को प्रतिपादित किया, किसी ने निराकार को स्वीकारा, किसी ने साकार को स्वीकारा, लेकिन ये ब्रह्म कुमारी संप्रदाय ऐसा है जिसने आज तक किसी का खंडन नहीं किया। सबकी पुष्टि जहां होती है वो ये संप्रदाय है। मैं आपको निवेदन करूं, ये जो माउंट हैदराबाद सिंध प्रांत से चला हुआ ये जो विशिष्ट संप्रदाय है, आप सब तो जानते ही होंगे, अंग्रेजों को भी जिसके विषय में विचार करना पड़ा था, किसी और संप्रदाय को बैन नहीं कर पाए थे अंग्रेज लोग, लेकिन इस संप्रदाय की बात मैकाले के कहने पर कहा कि अगर ये पूरे विश्व में ये शांति का धर्म फैल गया तो फिर अंग्रेजों का शासन, उनका कपट चलने वाला नहीं है। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये जो संप्रदाय 1960 के बाद चला, महाराज मेरी बात अन्यथा ना हो जाए, अगर 100-200 वर्ष पहले चला होता तो ना आपके भारत को फौज की जरूरत थी, ना आपके भारत को पुलिस की जरूरत थी, ना आपके भारत को अदालत की जरूरत थी। अगर 100-200 वर्ष पहले ये धर्म, ये संप्रदाय चला होता तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आज ये जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े पूरे भारत में होते हैं, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा हमारा भारत, ये विश्व को शांति का संदेश देने वाला। मजे की बात देखिए कि जो पूरे विश्व को शांति का संदेश देता है, उसी भारत में आज हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कितना उपद्रव हो रहा है। विचार कीजिए, अगर ये विश्व शांति का संदेश आबू से पूरे भारत में पहुंच जाए तो विचार कीजिए क्या कहीं पर झगड़ा होगा हिंदू मुस्लिम का। मैंने ब्रह्म कुमारी संप्रदाय के बाहर सुना था कि सतयुग आने वाला है। क्या लिखा था बोलो? सतयुग।
मेरे मन में आया कि सतयुग कैसे आएगा। वो प्रश्न चलता रहा। आज मुझे उसका उत्तर मिला कि अगर एक योगी यूपी बदल सकता है, एक मोदी भारत बदल सकता है, तो इतने ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां भारत क्यों नहीं बदल सकते, पूरा विश्व क्यों नहीं बदल सकते। अरे सतयुग आएगा। आप लोग कहते हो कि भारत विश्व गुरु था और दिन में कह रहे थे कि विश्व गुरु बनेगा, ये बीच में गड़बड़ कैसे हो गई भाई? था भी और बनेगा भी, ये गड़बड़ क्यों हो गई? गड़बड़ इसलिए हो गई कि कोई ब्रह्मा बाबा लेखराज जैसा हमारे बीच में आकर के हमको पूर्णता से समझा नहीं पाया। वैसे महापुरुष आते और हमको समझा देते। मैंने दो दिन में पिछले यहां आकर के अनुभव किया, ये सर्वदेशीय सर्वव्यापक परमात्मा को स्वीकार करते हैं। महाराज एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इन्होंने लक्ष्मी नारायण का भी इंकार नहीं किया, इन्होंने नानक का भी इंकार नहीं किया, इन्होंने कबीर का भी इंकार नहीं किया, और मजे की बात यह है कि इन्होंने मक्का मदीना का भी इंकार नहीं किया। जीवन का उद्देश्य है अब हम पाप ना करें, अगर अब तक किए हैं तो उस पाप से मुक्ति मिल जाए, तो ये दोनों के लिए भगवान का मार्गदर्शन है जो मुझे अजन्मा अनादि समझकर सर्वलोक का महेश्वर स्वरूप में मुझे याद करता है, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है।